हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो विशेषकर मैट्रिक के परीक्षा से संबंधित है। मैट्रिक परीक्षा 2019 जो होने वाला है उससे संबंधित है। इसमें मैं बताऊंगी विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करें, उससे संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगी, जिससे आप विज्ञान विषय में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले मैट्रिक में विज्ञान विषय में अच्छे अंक तभी आएंगे जब हम लोग पॉइंट वाइज और डायग्राम बनाकर प्रश्नों को हल करेंगे। जब डायग्राम बना के प्रश्नों को हल करिएगा तो उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं। और एक और चीज़ कि डायग्राम जब बनाए तो हमेशा पेंसिल से ही बनाने का प्रयास करें। ऐसा क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि पेंसिल से ही बनाने का प्रयास करें, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई तो हम उसको सुधार सकते हैं। लेकिन अगर हम पेन से डायग्राम बना देंगे तो फिर हमारे पास कोई ऐसा उपाय नहीं रहेगा जिससे हम उसकी सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। एकदम कूल माइंड से परीक्षा देना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, एक और बात कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो 15 मिनट बचते हैं उसका आप एकदम सही से सही इस्तेमाल करिए। अब सवाल आपका हो सकता है कि अच्छे अंक लाने के लिए क्या करें। तो जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रश्नों के अनुरूप उत्तर दें। बिहार विद्यालय की परीक्षा की ओर से जो जारी किए गए मॉडल पेपर होते हैं उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर उसको आप नहीं पढ़िएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। रिवीजन पर ध्यान रखें। और एक और चीज़ कि लिखावट सुंदर लिखें, क्योंकि अगर हम सुंदर लिखावट में लिखते हैं तो जो चेक करने वाले टीचर होते हैं उनको भी लगता है कि बच्चे अच्छे हैं और फिर हमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आपका सवाल हो सकता है कि डायग्राम किस चीज़ से बनाए। तो मैं पहले भी बताई हूँ, डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का सुधार हम कर सकते हैं। कलम से बनाने के बाद, पेन से बनाने के बाद कोई भी सुधार संभव नहीं है। किसी किसी स्टूडेंट का सवाल रहता है कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्यों गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम पूरे चैप्टर को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। अगर हम चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बाद सवाल होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से संबंधित कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि पाठ्य पुस्तक को अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तभी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम अच्छे से तभी हल कर पाएंगे। और मॉडल सेट से भी प्रश्न होंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है। बिल्कुल, मॉडल सेट का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे प्रश्न आते हैं, आ सकते नहीं हैं, आते हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब कैसे लिखें। इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग का हो सकता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब एकदम निर्धारित शब्दों में लिखे। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेज भरने के चक्कर में लग जाते हैं, कि ऐसा लगता है उनको, बहुत सारे लोग ऐसा सजेस्ट भी करेंगे कि पेज भर के आ जाना फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो फिर आप ग्रेजुएशन या MA MSc के छात्र नहीं हैं। वहाँ पर पेज भरने से कोई मतलब नहीं है, आपको निर्धारित शब्द जो है उसी में जवाब देना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स जरूर लाएंगे। आगे के वीडियोस में मैं और भी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स आप लोग को दूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।